नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीती रात घर से दोस्तों के साथ एक शादी में जाने की बात कहकर निकले युवक की संदिग्ध मृत्यु हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और युवक के दोस्तों पर हत्या का नामजद मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान है। कोटपुतली थाना पुलिस ने मृतक 20 वर्षीय युवक के शव को बीडीएम अस्पताल की मर्चरी में रखवाया है, जहां मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर मर्चरी में बाहर बैठे हुए हैं। परिजनों के बताए अनुसार बीती शाम करीब 7-8 बजे 20 वर्षीय विकास उर्फ अकबर पड़ोस में किसी कार्यक्रम में अपने दोस्त नवरत्न सोनी व राहुल सोनी के साथ गया था। परिजनों को सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि लड़के की मृत्यु हो गई है और उसका शव अस्पताल की मर्चरी में रखा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि मृतक विकास की शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ मर्चरी के बाहर ही बैठे हुए हैं। मौके पर कोटपुतली थाना पुलिस मौजूद है और घटना की जानकारी जुटा रही। सब इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट लेकर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है व सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक विकास 5 बहनों का इकलौता भाई था व माता पिता केसवाना एक फैक्ट्री में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। युवक की संदिग्ध मृत्यु परिवार के गले नहीं उतर रही। मृतक के पिता प्रकाश चंद प्रजापत ने बताया कि मृतक विकास के शरीर पर चोट के निशान है, उसके साथ कुछ अनहोनी तो हुई है, परिवार का सहारा छिन गया है। पुलिस निष्पक्षता से जांच व छानबीन करे तो न्याय मिले। पर परिजनों की ये मांग है और हम सबकी ये मांग है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने नामजद FIR कराई है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करे। उसके बाद हम दाह संस्कार बच्चे का करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ये घटना कल शाम को 7 बजे 2-3 बच्चों के साथ जो FIR में नाम है, 8-10 तो बाद में जुड़े हैं, पहले वहां से 2 बच्चों के साथ ये किसी जलवा कार्यक्रम में गए थे। उस कार्यक्रम में इनके बाद से ही इनको तो सुबह जानकारी मिली है कि डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। इससे संपूर्ण रूप से आशंका है कि यदि वो ऐसी घटना होती तो परिजनों को सूचित किया जाता, लेकिन परिजनों को सूचित नहीं करना और निशान चाकू के भी निशान हैं और उसके चोट के भी निशान हैं, तो इससे संपूर्ण रूप से या संभावना है, आशंका है कि निश्चित रूप से एक प्लान के तहत प्रकाश चंद कुमार मोनावरा, मेरा लड़का कल शाम को घर पे था, उसके 2 दोस्त आए और उसको बुला के ले गए। उसके बाद मैं एक शादी में चला गया। सुबह मेरे पास फोन आया कि आपका लड़का है ना, वो हॉस्पिटल में है मोत्री में। तो ये घटना कब की है? ये रात की है जी। रात की है? वो रात में 2:30-3 बजे इसको एडमिट करा के चले गए लावारिस हालत में। इसका ना तो नाम लिखा के गए ना हमारे को सूचना दी। ये जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये देखो सरासर हत्या हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम सुबह जैसे हमें पता चला है, हमने थाने में FIR दर्ज करवाई है, उसके बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। हमारा एक ही निवेदन है, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे हम डेड बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। पहले उनको गिरफ्तार करो, उसके बाद में अंतिम संस्कार करेंगे।